हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Hello friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss the difference between limit point of set and limit point of sequence. Okay, so limit point of set and limit point of sequence. आपको लगता होगा कि ये limit point मतलब same ही है, लेकिन set का limit point और sequence का limit point इन दोनों में बहुत बहुत difference है. वही difference आज discuss करेंगे. पहले दोनों डेफिनेशन जो आपको पता ही है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि लिमिट पॉइंट सेट का क्या होता है और सीक्वेंस का क्या होता है. डेफिनेशन में भी बहुत ही माइनर एक डिफरेंस है, वो अगर डिफरेंस आपको समझ में आए तो इस लिमिट पॉइंट का डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा. ओके, तो चलिए चलते हैं. पहले सेट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या होता है वो देख लेंगे. आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं अभी, सेट ऑफ रियल नंबर पे ही सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे. तो अगर मैं लिमिट पॉइंट ऑफ सेट की डेफिनेशन लिखूं प्रॉपरली, देन वी हैव वन सेट विच इज सबसेट ऑफ आर, लाइक एस इज सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए इज एनी रियल नंबर, देन A is limit point of S, where S is a set का limit point देख रहे हैं यहाँ पे. So A is limit point of S if, मैं इसके simple वाली definition लिखता हूँ, delta epsilon वाला भी आप पढ़ सकते हैं किसी भी book से. Limit point of S if every neighborhood of A, if every neighborhood, ये important है यहाँ पे, every neighborhood, यहाँ पे there exist delta neighborhood नहीं बोला है, there exist बोलते तो at least one, लेकिन यहाँ पे बोला है every neighborhood of A contains. देखिए यहाँ पे हमने जो definition पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि contains at least one element other than A, ऐसी ही डेफिनेशन होती है, लिखी हुई होती है. और कंटेंस एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ए, इसका मतलब ही डायरेक्टली हो जाएगा कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस. तो यहां पे देखिए मैंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, ये समझने के लिए थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि कंटेंस एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन ए, इससे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा. वो भी एकदम सही है, 100% सही है. अगर आपको नेबरहुड की कंसेप्ट पता है तो हर नेबरहुड में अगर उसके अलावा एक और पॉइंट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इंफाइनाइटी हो जाते हैं. इंफाइनाइटी कोई भी लिमिट पॉइंट के नेबरहुड, हम को किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट नहीं बोलेंगे अगर उसके नेबरहुड में फाइनाइट पॉइंट हो. तो अदर देन ए बोलने का मतलब एवरी नेबरहुड का ही सेंस लिया है, तो हमने एवरी नेबरहुड लिखा है यहाँ पे. तो सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, किसी सेट के लिए अगर कोई पॉइंट है और उसको लिमिट पॉइंट बोलना है तो उसके हर नेबरहुड में, उस पॉइंट के हर नेबरहुड में उसी सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स आने चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए, इनफाइनाइट रियल नंबर जो एस के है, तो तभी ये लिमिट पॉइंट होगा, राइट. जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज S is a set such that this S is a set suppose, and the set is okay. हम पहले इसको डिस्कस कर लेंगे. ओपन इंटरवल 0, 1, सपोज S इज अ ओपन इंटरवल 0, 1, देन हमने लिमिट पॉइंट और व्हाट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ S, ओके, और उसे हम डिनोट करेंगे S डैश से. सो S डैश क्या होगा, अभी चलिए इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. सपोज 0 एंड दिस इज 1, तो इस समय एक दो पॉइंट चेक कर लेता हूं, अंदर के पॉइंट मतलब जो सेट में है वो पॉइंट चेक कर लेता हूं, एक दो क्या होंगे. सपोज आई टेक 1/2, क्या 1/2 इसका लिमिट पॉइंट होगा. तो चलिए इसके अगर हर नेबरहुड ने
इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन किए तो ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और ओपन इंटरवल 01 क्या कंटेन करता है, ओपन इंटरवल 01 ये सारे रैशनल, सॉरी ये सारे रैशनल और इरैशनल इन बिटवीन 01 जितने भी है वो सारे कंटेन करेगा। ये रैशनल भी कंटेन करेगा, ये इरैशनल भी कंटेन करेगा। और रैशनल इरैशनल कितने हैं इसमें, तो टोटल मिला के अनकाउंटेबल सेट है ये। हमने पहले ही प्रूव किया है कि ओपन इंटरवल 01 इज अनकाउंटेबल। तो ये रियल लाइन है और इस पे अनकाउंटेबल पॉइंट है, राइट। सो 1/2 में चेक कर रहा हूं, अगर मैं ये नेबरहुड ले लू डेल्टा नेबरहुड, ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, सो इफ आई टेक दिस डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1/2, हाउ मेनी पॉइंट्स कंटेन्स दिस नेबरहुड। सो ये पूरी रियल लाइन यहां से लेके यहां तक कंटेन करेगा, और इस रियल लाइन पे कितने पॉइंट है, अगेन अनकाउंटेबल, बिकॉज वी गेट नेबरहुड ऑफ 1/2, डेल्टा नेबरहुड ऑफ 1/2। तो ये सारे सारे इस लाइन पे जितने भी रैशनल और इरैशनल है यहां से लेके यहां तक सारे कंटेन करेगा, मतलब 1/2 का ये वाला नेबरहुड तो इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करता है। लेकिन किसी एक ही नेबरहुड ने इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन किए और बाकी नेबरहुड ने नहीं किए तो हम उसको लिमिट पॉइंट नहीं बोल सकते। तो इसका हर नेबरहुड, इसके हर नेबरहुड ने इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो चलिए मैं नेबरहुड और छोटा करता हूं, तो फिर से, और ये करने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली, हम डेल्टा चेंज करेंगे तो हम यही देख सकते हैं। तो अगर ये नेबरहुड लिया तो फिर से ये लाइन आ जाएगी, तो फिर से ये लाइन आएगी, मतलब क्या, इनफाइनाइट पॉइंट, इवन अनकाउंटेबल पॉइंट्स, इवन अनकाउंटेबल पॉइंट्स। तो इतने सारे हर नेबरहुड में, ये 1/2 अगर है, कितना भी छोटा मैं नेबरहुड कर लूं तो उसका हर नेबरहुड इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करेगा। सो यही हम यूज कर सकते हैं हर एक पॉइंट को जो कि ओपन इंटरवल 01 में है। तो इंटरनल पॉइंट जो भी है, अंदर पॉइंट है सेट के, उसके लिए तो ये अगर पॉइंट लिया तो फिर नेबरहुड, ये अगर पॉइंट लिया तो फिर नेबरहुड, तो ये पूरी रियल लाइन यहां से लेके यहां तक आ जाएगी, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट उसके नेबरहुड में आएंगे। और ये हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने पॉइंट है वो तो सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट हो रहे हैं, राइट। लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है एंड पॉइंट को, 0 और 1 को। तो चलिए यहां पे देखते हैं, ये 0 और ये 1, तो एक भी अगर हमने क्लियर कर दिया, मतलब समझ लिया, तो ये अपने आप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं 1 का नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करता हूं ऐसे। सो डेल्टा नेबरहुड मतलब क्या, डिस्टेंस इज डेल्टा एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो दिस इज 1+ डेल्टा एंड दिस इज 1-डेल्टा। अब चलिए मानो कि ये नेबरहुड पूरा का पूरा इस सेट में तो नहीं आया, क्योंकि ये हाफ नेबरहुड जो है वो तो बाहर गया, लेकिन हमने नेबरहुड पूरा कंटेन होना चाहिए ये डेफिनेशन में नहीं लिखा कहीं। हमने लिखा कि एवरी नेबरहुड ऑफ 1 कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स और पॉइंट्स ऑफ एस। तो देखिए इसमें इस साइड में जो भी डिस्टेंस है इतनी लाइन मिल रही, तो ये तो सेट में कंटेन हो रहा है ना, 1 के लेफ्ट साइड में ये जो नेबरहुड है हाफ नेबरहुड इस सेट में कंटेन हो रहा है। और लेकिन यहां से लेके यहां तक ये कितने पॉइंट है, एक छोटी भी रियल लाइन मिले तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट। तो 1 के इस नेबरहुड में हमें इस साइड में इनफाइनाइट पॉइंट मिले, लेकिन हर नेबरहुड में होना चाहिए। तो आप देखिए छोटा नेबरहुड करके, तो फिर से 1 के लेफ्ट साइड में इतना डिस्टेंस आएगा, इतना भी डिस्टेंस आएगा तो भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट। और अगर आप 1 का नेबरहुड ले रहे हैं, मतलब 1-डेल्टा 1+डेल्टा, तो हमें चाहिए 1 के लेफ्ट साइड में जाएगा ही जाएगा कुछ ना कुछ डिस्टेंस, 101%, बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव क्वांटिटी फ्रॉम 1, सो लेफ्ट साइड में जाएगा, 1 से लेस आएगा। तो यहां पे कितना भी छोटा नेबरहुड बना सकते हैं आप, जिसमें कि ये लेफ्ट वाली साइड है ना, लेफ्ट वाली साइड वो सेट में आएगी और उसमें कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इवन अनकाउंटेबल पॉइंट। सो 1 का हर नेबरहुड क्या कर रहा है यहां पे, इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर रहा है। तो ये 1 हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट। सेम वे हम 0 का नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं, 0 को भी लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये 0 है तो ये उसका नेबरहुड। तो अब राइट साइड में हाफ नेबरहुड इसके अंदर आ जाएगा, आप कितना भी छोटा नेबरहुड कीजिए राइट साइड में ये लाइन आ जाएगी, मतलब ये सेट के एलिमेंट है इसी सेट के।
तो और ये एलिमेंट कितने, इतनी भी लाइन रियल लाइन हो ना तो इस रियल लाइन पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो इस साइड में आपको इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे और जीरो के हर नेबरहुड में, तो जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। मतलब क्या, क्लोज इंटरवल 0 1 इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो इंटरनल पॉइंट भी लिमिट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट भी उसके लिमिट पॉइंट है। ओके, तो ये हो गया सेट के बारे में। हम दूसरा और कंबाइंड एग्जांपल लेंगे, पहले सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है वो देखेंगे। अब फिर से पढ़िए कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए, ये पॉइंट है ऑफ ए, कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, ये यहां पे ध्यान देना है इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस, क्योंकि यही माइनर डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में और सेट के लिमिट पॉइंट में। अब देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, तो लिखना पड़ेगा, एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस एंड एल बिलोंग्स टू आर, एक एल कोई भी रियल नंबर लिया मैंने, देन एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट बोला है मैंने यहां पे, ये भी ध्यान दीजिए मैंने लिमिट नहीं बोला है, क्योंकि लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस होता है सीक्वेंस के। हम यहां पे लिमिट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना कि लिमिट। ओके, तो लिमिट पॉइंट इज एल इज टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन इफ, फिर से यहां पे सिंपल वाली डेफिनेशन लिखता हूं मैं, इफ एवरी नेबरहुड, ये लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में आएगा ही, एवरी नेबरहुड ऑफ एल, एवरी नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट। अभी ये ही छोटा सा एक डिफरेंस है, यहां पे मैंने लिखा इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ एस, इनफाइनाइट एलिमेंट्स राइट। यहां पे ध्यान देना है आपको, यहां पे लिखता हूं मैं ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए एन। अब यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, हम सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट पे लिखते हैं टर्म्स, क्योंकि सीक्वेंस में एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन टर्म्स जो है वो रिपीट नहीं होती, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसा चलता जाएगा, बिकॉज सीक्वेंस इज नथिंग बट अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, हम रियल सीक्वेंस के बारे में बात करें। लेकिन सेट में क्या हो रहा है कि इट कंटेन्स एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि इसमें रिपीट एलिमेंट नहीं होंगे, ये सेट है तो रिपीट एलिमेंट नहीं होंगे, तो इसलिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स। लेकिन सीक्वेंस में क्या बोला है हमने, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, देन एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी सीक्वेंस लेते हैं और उसका लिमिट पॉइंट, सपोज दैट इट ए एन इज अ सीक्वेंस सच दैट -1 to the power n, ये सीक्वेंस ले ली मैंने -1 to the power n। अब ये सीक्वेंस एक्चुअली है क्या, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे मतलब फर्स्ट टर्म आपकी -1 होगी, सेकंड टर्म +1, थर्ड टर्म -1, देन 1, देन -1, देन 1, देन -1, अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा राइट। इसके रेंज सेट में एक्चुअली दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो -1 आएगा या फिर 1 आएगा, रेंज सेट -1 या 1 दो ही एलिमेंट आएंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि इसके लिमिट पॉइंट कैसे डिफाइन होते हैं सीक्वेंस के। अब आप समझ सकते हैं, सपोज वी चेक फॉर 1, 1 इज लिमिट पॉइंट और नॉट, 1 इज लिमिट पॉइंट और नॉट, और ये याद रखना है टर्म, ये बेसिक डिफरेंस है एक्चुअली लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में। चलिए 1 को हम देखते हैं लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, तो एवरी नेबरहुड ऑफ एल, अब एल इक्वल टू 1 लेंगे, एल इक्वल टू 1 और 1 को चेक करना है लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो 1 का नेबरहुड क्या रहेगा, 1 - δ 1 + δ, ये उसका नेबरहुड है। अभी ये जो नेबरहुड है ये डेल्टा आप कुछ भी ले सकते हैं, तो एवरी नेबरहुड हो जाएगा आप डेल्टा फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, और वी कैन से फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ये है 1 का नेबरहुड। अब इस नेबरहुड में सीक्वेंस के कितनी टर्म आती है,
सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं हम, टर्म्स के सेंस में टर्म्स लाना है इनफाइनाइट। तो देखिए इसका नेबरहुड जो है, अभी चलिए रियल लाइन और ये वन है, इसका नेबरहुड बन जाएगा ये। अब डेल्टा चेंज कीजिए, मैं ये चेंज नहीं करूंगा, आप डेल्टा डिस्टेंस चेंज कीजिए, ग्राफ हम ऐसे ही रखेंगे, आपको दिखेगा वहां से। तो ये है 1 माइनस डेल्टा और ये है 1 प्लस डेल्टा, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। अब ये वाला नेबरहुड सीक्वेंस के कितनी टर्म्स कंटेन करेगा, तो देखिए ये कितना भी छोटा नेबरहुड लिया आपने, डेल्टा नेबरहुड 1 का कितना भी छोटा, 1 से लेस आएगा इधर डिस्टेंस और इधर 1 से ज्यादा, तो बीच में 1 तो रहने वाला है 101%, बीच में 1 रहने वाला है अपने डेल्टा कुछ भी लिया तो। अब 1 रहने वाला है, that means what, this l equals to 1 belongs to this, this l equals to 1 always belongs to this, whatever you choose delta, this 1 belongs to always in the delta neighborhood of 1। अब 1 इसमें आ रहा है तो आपको लगेगा कि एक ही एलिमेंट आ रहा है राइट, और हमें तो लिमिट पॉइंट बोलने के लिए इनफाइनाइट एलिमेंट चाहिए, तो वो डेफिनेशन सेट की लिमिट पॉइंट की है, यहां हम लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस देख रहे हैं और इसीलिए तो हमने ये डिफाइन किया टर्म्स। तो 1 अगर इसमें आता है तो 1 कितनी टर्म में आता है सीक्वेंस में वो देख लीजिए, 1 कितनी टर्म में आता है सीक्वेंस में, सेकंड टर्म में 1 है, फोर्थ टर्म में 1 है, सिक्स टर्म में 1 है, एट टर्म में 1 है, हर इवन टर्म पे 1 है ना, तो ऐसी कितनी टर्म है 1 वाली, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो मतलब ये नेबरहुड क्या कर रहा है, इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है, इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है। तो ये होता है सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट और ये होता है सेट का लिमिट पॉइंट। कभी कभी सेट और सीक्वेंस में कॉमन एग्जांपल आ जाते हैं, उसका मतलब जो सेट दिया है वही उसकी सीक्वेंस की टर्म भी होती है, ऐसा कॉमन एग्जाम्पल एक हमारे पास है, टर्म कंटेंस इनफाइनाइट टर्म कंटेंस दिस नेबरहुड, दैट्स व्हाई 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, और वैसे भी एक सफिशिएंट केस है हमारे पास, एक रिजल्ट है कि कोई भी एलिमेंट सीक्वेंस में अगर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है तो वो हमेशा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। और एक आधा एग्जाम्पल आपको देखना है, जैसे कि फेमस एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट सीक्वेंस सी सपोज। अब इस ये सीक्वेंस कैसे लिखेंगे आप, हर टर्म यहां पे कॉन्स्टेंट ही रहेगी सी, और अगर मैं सी का नेबरहुड ले लू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, और सी को ही चेक करना है लिमिट पॉइंट है कि नहीं, सी एल इक्वल टू सी लेता हूं मैं, इट बिलोंग्स टू ऑलवेज इन दिस नेबरहुड, बिकॉज सी माइनस डेल्टा मतलब सी के पहले डिस्टेंस होगा सी माइनस डेल्टा और सी के बाद होगा सी प्लस डेल्टा। तो इसमें आप नेबरहुड कितना भी छोटा कीजिए हमेशा ये सी तो रहेगा ही उसमें, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है और सी बिलोंग्स टू दिस। और अब सी अगर इस नेबरहुड में आ रहा है, एवरी नेबरहुड में आ रहा है सी के नेबरहुड में, तो ये सी कितनी मतलब इस सीक्वेंस की ये वाला नेबरहुड सी का नेबरहुड कितनी टर्म्स कंटेन करेगा, जब इसमें सी बिलोंग हो रहा है मतलब सी कितने टाइम्स है इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसका सी का हर नेबरहुड इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन कर रहा है, और इधर क्या है इनफाइनाइट एलिमेंट्स, तो टर्म्स और एलिमेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट का और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का। एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं कि क्या होगा सेट के लिए और सीक्वेंस के लिए, एक कॉमन एग्जांपल जो दोनों के लिए होगा, सपोज एक सेट लेता हूं मैं इधर एस 1 बाय एन सच दैट एन इज नेचुरल नंबर, एक सेट लिया और उसके बाद यहां पे एक सीक्वेंस लेता हूं ए एन इक्वल टू 1 बाय एन। तो देखिए इसमें ये सीक्वेंस क्या मिलेगी, 1 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 4 अप टू सो ऑन, और यहां हमें जो सेट मिला है इसमें भी सेम एलिमेंट है, ये सेट है 1 1 बाय 2 1 बाय 3 अप टू सो ऑन, तो यही मिलने वाला है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेम ही होगा क्योंकि हमें यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स भी मिलेगी इसके लिमिट पॉइंट में और यहां पे लिमिट पॉइंट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी मिलेंगे। तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, लिमिट पॉइंट मतलब क्या, इसी एक एग्जांपल से हम लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस दोनों देखेंगे। तो
1 by n as such that n is natural number. अब देखते हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या है. चलिए मैं रियल लाइन एक ड्रॉ करता हूं और इसके जो पॉइंट है वो लिखता हूं यहां पे 1 1. सपोज दिस इज 0 राइट 1. दूसरा एलिमेंट आएगा n इक्वल्स टू 2 सो 1 by 2. तीसरा एलिमेंट आएगा 1 by 3. चौथा एलिमेंट आएगा 1 by 4 इस टाइप से राइट. और 0 के क्लोज जाएगा ये क्लोज टू 0. तो मैं चेक करता हूं पहले दो तीन पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे क्या. चलो ये वन लिमिट पॉइंट होगा क्या इस सेट का. दिस इज सबसेट ऑफ R एक्चुअली राइट. तो वन का अगर नेबरहुड ले लूं तो वन के नेबरहुड में इस सेट के कितने एलिमेंट है. वो एक ही एलिमेंट है. तो एक तो नेबरहुड मिला कम से कम कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है बाकी सेट के कोई एलिमेंट नहीं है. मतलब इस सेट के ये जो वन है वन का नेबरहुड इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन नहीं करता. वो खुद अकेला ही आ रहा है. तो इसका मतलब ये वन लिमिट पॉइंट नहीं है इसका. सेम वे इफ आई टेक 1/2 इसका भी एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुद अकेला है. तो ये 1/2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है क्योंकि इसके इनफाइनाइट पॉइंट उस सेट में उस नेबरहुड में नहीं आ रहे. तो सेम वे 1/3 1/4 मैं सारे एलिमेंट को ऐसा कर सकता हूं क्योंकि दो नंबर जब लिखते हैं ना 1 1/2 और उसके बाद 1/3 तो हर नंबर में डिस्टेंस आ रहा है. और जैसे ही डिस्टेंस आता है आप नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसमें वो अकेला है आइसोलेटेड हो जाए. तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा. तो इसका लिमिट पॉइंट आपको पता होगा शायद 0 इसका लिमिट पॉइंट है इस सेट का. तो 0 कैसे है राइट. तो 0 का नेबरहुड लेना पड़ेगा ये वाला सपोज डिस्टेंस इज डेल्टा. अब ये अगर डेल्टा है डेल्टा कुछ भी चूज कीजिए सपोज आई टेक 1/100 तो मुझे बताइए 1/101 कहां आएगा. इस साइड में आएगा यहां पे. 1/102 कहां आएगा इस साइड में. 1/103 कहां आएगा इस साइड में. अप टू सो ऑन. ये तो नंबर कितने में है ना 4 5 6 7 8 ऐसे 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 करके क्लोज टू 0. तो 0 के नेबरहुड में कितने पॉइंट आ रहे हैं इस सेट के कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट के इनफाइनाइट. तो आपको लगेगा कि डेल्टा आपने 1/100 दिया इसीलिए ऐसा हुआ. नहीं हम डेल्टा कुछ भी ले इसके बाद अगर 1 ऐड कर दूं तो वो एलिमेंट मतलब यहां पे अगर मैं 1 ऐड कर दूं ये नंबर खुद लिख के 1 ऐड कर दूं इसके अंदर और उसके बाद चलता जाएगा 2 3 4 5. तो आप कुछ भी डेल्टा लीजिए 0 के हर नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे. दैट्स व्हाई 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट. और अगर हम सीक्वेंस की बात करें an इक्वल टू 1/n तो ये सीक्वेंस मिलेगा 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन. तो इसमें भी वही बात है क्योंकि आप 1 1/2 1/3 0 अप टू 0 तो 1 को चेक करेंगे है क्या. तो उसमें 1 कंटेन कर रहा है लेकिन हमने जो पिछली सीक्वेंस देखी थी कि वो इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेगा. 1 कितनी टर्म्स कंटेन करता है इस सीक्वेंस की. एक ही टर्म में 1 है तो एक ही टर्म कंटेन कर रहा है. और लिमिट पॉइंट बोलना है तो इनफाइनाइट टर्म्स उसने कंटेन करना चाहिए जो कि नहीं कर रहा है. सेम वे कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन नहीं करेगा लेकिन सेट के ही जैसा 0 का नेबरहुड लिया कोई भी तो ये कितनी टर्म कंटेन करेगा इस सीक्वेंस की. चलिए डेल्टा लेना पड़ेगा फिर से 1/100 लिया तो 101 102 104 ये सारी अंदर आएगी तो और ये टर्म है भी उसकी तो इस साइड में कितने टर्म कंटेन करेगा 0 का नेबरहुड इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एंड दैट्स व्हाई 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस. तो इस केस में सेम ही मिला लेकिन हर बार आपको सेम नहीं मिलेगा. बहुत डिफरेंस है लिमिट पॉइंट ऑफ सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में. लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में हम एलिमेंट पॉइंट्स कंटेन करेगा नेबरहुड इनफाइनाइट पॉइंट ऐसा बोलते हैं और सीक्वेंस में हम इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेगा ऐसा बोलते हैं. ओके सो शायद क्लियर हो गया होगा सेट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.